हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज हमने घर पे खाना नहीं बनाया है, बाहर से मंगाया है। डोसा गर्मा गर्म रेडी, ये देखिए कितना प्यारा डोसा है। और ये हम दोनों पति पत्नी खाने वाले हैं, क्योंकि हम दोनों का एक डोसे में ही पेट भर जाता है, हमें दूसरा डोसा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शाम हो चुकी है और शाम का मौसम कितना प्यारा है। सब लोग छतों पे जाके बैठ चुके हैं। यहाँ पता है क्या, सब लोग छत पे जाके बैठ चुके हैं। और ये मेरे पति देव तो हर समय टीवी देखते रहते हैं, देखो हर समय मूवी चलती रहती है। आइए मैं अपनी सिस्टर वगैरह से मिलाती हूँ। कल तो मैं किचन में दिखाती हूँ, ये सब सामान आ गया है, ये ढेर सारा, ये सब्जियाँ, ठीक है। ये सुबह डोसा खाया था हमने, तो मैंने उसकी चटनी रख ली है, अच्छी लगती है सारी चटनी है, तो हम चटनी खाएंगे। आइए आपको अंदर मिलवाती हूँ। लोग क्या कर रही, ये बातें कर रहे हैं, चाय पी ली है। ये देखिए हर समय इनसे सब बातें करते हैं। खाना जी, बस अब मैं थोड़ी देर में पूजा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं दिन कैसे व्यतीत करती हूँ। दोपहर में मैं इसलिए गैप कर दिया था क्योंकि मैं सो गई थी, और जब मैं सो जाती हूँ ना, तो दोपहर में जैसे ही मैं खाना खाया, बस कुछ नहीं, अपना सो के बर्तन, अपना खा के बर्तन वर्तन साफ करके, और मैं लेट जाती हूँ। मुझे खाना खाते ही इतना नशा होने लगता है ना कि बस सो ही जाऊँ, फिर मुझे कोई डिस्टर्ब ना करो। मजा आया था सोने में। चलिए मिलते हैं। हाय, अब हम खाना बनाने की तैयारी हो चुकी है हमारी। ये प्याज ब्राउन हो रही है, बड़ी की सब्जी बनेगी। ये मैं अदरक एंड लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। मिक्सी की आवाज पे ना मैं ऐसे ही करती हूँ, बड़ा मजा आता है। लाओ टमाटर निकाल दो। हाय हाय, अबे ये क्या डाल दिया, धनिया भी डाल दिया क्या? हाँ, पानी डालो। ये देखिए कितनी कलाकारी करते हैं ये। अब ज्यादा नहीं डाल दिया, इतनी कलाकारी करते हैं कि लहसुन अदरक मिर्च के साथ साथ इन्होंने धनिया भी घुसेड़ दिया। इन्होंने ना सब चीज की वो कर दिया, पहले तो कह रहे हाँ, कभी कह रहे ना, अब बता मैं क्या करूं। ले दो टमाटर निकाल। भैया पता नहीं बदबू वाला आ रहा है। अब हम टमाटर को गाली करेंगे, ठीक है? गाली मतलब पीसूंगी। गार्लिक होता है वो? हाँ। और ये तो क्या है ना गाइस, गार्लिक ही होता है ना, कमेंट करके बताना क्या होता है। The pains of the gens of the lingu, my lingu, आने आने ना, आने आने ना, दा दा दा। ओ गाइस, आप मेरे, मैं देख रही हूँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, कैसे काम चलेगा भाई, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे सपोर्ट करना पड़ेगा ना।
तभी तो मैं आपको ऐसी आवाजें सुना पाऊंगी। गाड़ी जब इससे दोबारा डालेंगे क्योंकि एक साथ डाल देती ना ये निकल जाते, इनका निकलने का डर रहता। ये देखो देख रहे हो ऐसे उठ के आ रहा है ये। थोड़ा कम कर लेना पहले पीसने की। अब मुझे फिर कम करना पड़ेगा ये जो पीस चुका है। ऐसे होता है ये छोटे बर्नर में। हाँ उसने गेट बंद कर दिया इसने। हम इतने अच्छे से कर रहे थे। थैंक गॉड हमने निकला। देखिए कितना सारा पेस्ट बन गया। ये 2 टमाटर का है। अब देखना इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनेगी। तो ये हो गया है, मैं इसको समेट लेती हूँ। अच्छा मैं सोची भी ना मैं मार्केट चली जाऊं। मैं आटा गूंद लेती हूँ। उससे पहले मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि बहुत प्यास लग रही है, बोलना भी पड़ रहा है ना। हालांकि पानी बैठ के पीना चाहिए पर कभी कभी खड़े चल जाता है। ये मैंने पानी ले लिया। अब रिंग्स निकाल देती हूँ क्योंकि क्या कह मैं रिंग्स में आटा गूंथ जाता है। चावल बना लेना मैं जरा मार के डाल दूँ आटा में। मैं इतना आटा निकाल दे रही है। खाना खा लो। हाँ जल्दी खा लो।
कर लेंगे ना साथ में। ये मैंने आटा निकाल लिया, अब मैं निकालती हूँ राइस। कौन सा राइस? इसमें से वो दी छोटी ग्लासियां बने ना मैं। हाँ ग्लासियां बने। ये आटा, ये राइस, दो गिलास पानी डाल दिया है। अब हम गाइस, मुझे ड्रेस अपने ऐसे ऊपर करनी पड़ती है देखो दोनों तरफ, क्योंकि ये ना परेशान करती है, भीगती है। फिर मैं आटा मार लेती हूँ, ठीक है। और अभी मैं थोड़ा नीचे हूँ तो मुझे थोड़ा स्टूल पे खड़े होकर जोर लगा के मारना पड़ेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब ये ना समझना कि मेरी हाइट कम थी, अच्छे से मर जाता है। बाहर जाके थोड़ा हेलो गाइस, गाली देता हूँ मैं कभी कभार। माइंड मत करना, बस ऐसे ही मजाक में बस देते हैं। कभी आप अपने ऊपर ले जाओ, बच्चा रोता रहता है उसको बोलिए। अच्छा, मतलब हिसाब से रोई चिकन चाहिए हर समय, मतलब हम देख सकते हैं ना, हमारी फ्लोर भी आ जाती है। मेरी पतली, ए मेरी पतली ये कमरिया, देवर की तिरछी नजर लिया, मेरे बलम का अड्डा करिया, देवर की तिरछी नजर लिया। कभी कभी पता है गाइस, मेरा ना इसमें कबर्ड में सर भी लग जाता है। ये हमारी रोटी बनना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए पूरी पूरी रोटी, कुछ गर्म गर्म रोटी खानी आ जाइए, पर मेरे साथ हाथ से खानी पड़ेगी, मैं आराम नहीं कर।
गर्मी लगने लगी है तो इन्हें गर्मी लगने लगी है साड़ी का पता नहीं क्या पता अभी मूड बदल जाए। कभी कभी तो मत दिलाओ ना ऐसे मत किया करो तो बिल्कुल चाचा वाली हरकत है सही बताऊँ छोटों के लड़कों के अंदर ऐसी हरकत क्यों होती है पहली बार गाकर होती थी लड़ाई तो अम्मा से ही होती थी गाकर वही तो और पता क्या हमें इतना मजा आता था सारी बातें बता रही हूँ मैं पता क्या हम ना जैसे लड़ाई होती थी ना कैसे चलो अभी बैग पे करो चल नानी घर से चल रहे मैं कहा ये हमें तो घूमने मिलेगा मजा आएगा एक बार तो अभी रात में जाने तैयार मैं कहने लगी मम्मी कितना जल्दी से कपड़े पता कर वहाँ चलना है वहाँ को चलना है गाड़ी थोड़ा और डाल दो पूरा डाल दो सब समाट जाएगी बात अब बनती गाड़ी है जो वाली नहीं बनी अभी एकदम बना हुआ ये सब ये ज्यादा हो गए सोयाबीन की बड़ी बन चुका है और मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड मुझे सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को देखिए पूरे पूरे टाइम देखिए वॉच टाइम बढ़वाइए मेरा मुझे हेल्प कीजिए मैं बहुत बेचारी हूँ सो प्लीज मेरी मदद कीजिए मेरा भी सपना है कि मैं भी कुछ बन के दिखा दूँ सबको वरना तो कुछ किया नहीं आ सक तो सोचा इसमें ही निकल जाऊं चलिए गाइस मेरी रोटियां तो बनती रहेंगी इसमें लगेगा टाइम वो भी खाना सर्व करने में भी 10 बज जाएंगे मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा बाय।